हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ब्रीजी। सो फ्रेंड्स, गणपति पप्पा आ चुके हैं और महाराष्ट्र में तो गणेश फेस्टिवल का सेलिब्रेशन कुछ नेक्स्ट लेवल पे ही होता है, एंड सो इन पुणे। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं कि इस बार कैसे गणपति सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, सो यू आर एट द राइट प्लेस इन माय वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस बार मैं आई हूँ PCMC में, पिंपरी में बेसिकली फ्रेंड्स, और आज पप्पा जी आ रहे हैं तो उनके वेलकम के लिए आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आए हैं विद देयर ढोल ताशे, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रुप कोऑर्डिनेट्स करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साइड में ही फायर वर्क्स चल रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल डीजेज हैं, लाइटिंग है, साउंड है, और एक डिफरेंट ही एटमॉस्फेयर है, बहुत ही डिफरेंट वाइब है। वैसे भी प्यारे गणपति बप्पा आने की वाइब तो डिफरेंट ही होती है फ्रेंड्स। सो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो ज़रूर आइए पिंपरी में साई चौक पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपको झांकियां भी देखने को मिलेंगी। तो ये वेलकम डे है फ्रेंड्स, और अगर इन केस आपका वेलकम डे मिस हो गया है सो डोंट वरी, आप लोग विसर्जन पे भी जा सकते हैं। सेम तरीके का सेलिब्रेशन होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा होता है और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। ये एक आप झांकी देख लीजिए फ्रेंड्स, कितनी यूनिक कितनी ब्यूटीफुल है। गणपति पप्पा जो है हमारे, वो हनुमान जी पर सवार है। ऐसे ही डिफरेंट थीम की आपको झांकियाँ देखने को मिलेंगी। उनमें से कुछ थीम्स जो मैंने ऑब्जर्व की वो थी श्री राम जी पर थी, प्लस केदारनाथ थीम थी, आदियोगी थीम, ये सब कुछ मैंने देख पाए थे। और फ्रेंड्स, अभी तो और भी बहुत सारी थीम्स वाली झांकियाँ रहती हैं, काफ़ी यूनिक सेलिब्रेशन रहता है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन बिटवीन डेज़ में जाना चाहें तब भी जा सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल झांकियों के दर्शन हो जाएंगे। और ये सब सेलिब्रेशंस अगर आप देखना चाहें तो आप जो लास्ट डे होता है गणपति विसर्जन का, उस दिन जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। लाइक वाइब ही डिफरेंट है। मेन पुणे में भी दगडू सेठ टेम्पल जो है उसके आसपास ये सब कुछ बहुत होता है, बट सपोज़ आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप पिंपरी में ही इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, तो ज़रूर ज़रूर जाइएगा। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया, आप देख रहे हैं ना ये वीडियो के द्वारा कि कितने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आए हुए हैं। इनका कॉस्ट्यूम देखिए, किसी ने व्हाइट एंड गोल्डन कलर का कोऑर्डिनेट किया हुआ है, किसी ने रेड एंड व्हाइट, सो बहुत ही ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन करते हैं। और इसकी प्रैक्टिस तो मैंने सुना एक एक दो दो महीने पहले से करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितने एफर्ट्स डालते हैं। प्लस देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप डीजे अभी वीडियो में देख रहे हैं कितना बड़ा है, सो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही बहुत सारे सारे ग्रुप्स थे वहाँ पर जो अपने प्यारे प्यारे गणपति पप्पा को विराजमान करने के लिए लेके जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर जाइएगा, आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल वाइब रहेगा, लाइटिंग साउंड सब कुछ देख के आपको मजा आ जाने वाला है। आप खुद ही देख लीजिए क्या ग्लिम्स है, कितना ज़्यादा इंजॉयमेंट चल रहा है। अब आप कुछ ओवरव्यू कर लीजिए, कुछ लुक देख लीजिए।
है ना फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी वाइब और दिल को बहुत अच्छा लगता है ये सब सेलिब्रेशन देखकर। तो मज़ा आ गया हम लोग को तो, और हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि विसर्जन के दिन भी जाएं। प्लस अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि कौन सी झांकियां लगी हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसका एक पार्ट टू करूं जिसमें वो दिखाऊं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं फिर वो नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूं। चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। मिलती हूं अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लिव इजी, बी ब्रीजी, बाय बाय।